तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खराब होंगे। खराब ही होंगे, इन्होंने कहां से ठीक होना यार। तो दोस्तों, आज हम आपके पास नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, नई बकवास के साथ हाजिर हुए हैं। और हम आज किस बारे में बकवास करेंगे सर? मिडिल क्लास फैमिलीज के मुफ्त मजदूर। और वो हम मुफ्त मजदूर से क्या लेते हैं सर? मुफ्त मजदूर से मुराद ये है कि जैसे कि घर के हम लोग आधे इलेक्ट्रिशियंस भी हैं, आधे प्लम्बर भी हैं, ग्रोसरीज भी हमने लेकर आनी है, सब्जियां भी हमने लेकर आनी है, फ्रूट भी हमने लेकर आने हैं, घर का भी बल्ब खराब हो गया वो भी हमने लेकर आना है, चिकन मटन सब कुछ हमने लेकर आना है। और एंड पे हमें ताना भी ये मिलता है कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं यार। इसके साथ साथ हम एक और चीज भी है, क्या? जैसे कि उबर ड्राइवर अपने घर वालों, जी हाँ, और जिसके हमें कोई पैसा नहीं मिलता सर, दर्जनों पे भी हमने लेकर जाना है, बाजार में भी हमने लेकर जाना है, और उसके बाद हम फिर भी वेले हैं। जी हम वेले हैं। और हम किस तरह वेले हैं जरा प्लीज गौर फरमाए इस बात। अब हम 24 घंटे में से 8 घंटे हम अपने किसी काम की तरफ हो जाते हैं। जी हाँ, मतलब बिजनेस की तरफ हो जाते हैं। हाँ ठीक हो गया। उसके बाद हम 5-6 घंटे अपने घर दे देते हैं। जी हाँ। हम किस तरह वेले हैं सर? हम कुछ भी नहीं करते हैं। उनके मुताबिक उनकी आंखों में हम लोग हर वक्त सोफे पे बैठे मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब हम उसे क्या करें मोबाइल के साथ? अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद इस बारे में जो है ना तफसील से बयान करता हूँ। जी हाँ। हमारे घर वाले चूके बासकत हमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं, हालांकि हम घर के बड़े भी नहीं है। नहीं है। हमसे बड़ा जो है वो किधर है? अमेरिका से बाहर है। वो मुल्क तो बाहर है। ठीक है भाई जी, सिचुएशन ये है। उसके बाद सारे घर के काम काज हर एक चीज हमारे जिम्मे। जी हाँ। हमारे मासूम कंधों पे। जी हाँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद भी जब कोई लाइट खराब हो जाती है, अब हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है, ना हमें कोई सर्टिफिकेशन है। जी हाँ। अब हम कोई तार इधर की उधर लगा लेंगे तो यहाँ पे जो शबरात होगी उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी हम ही होंगे। ठीक है। तुसी वेख के नहीं लाई। तुसी वेख के नहीं लाई। किस तरह वेख के नहीं लाई? वो तार उधर लगनी थी। वो तो जारी बात है, जब पटाखे पड़ गए तो वो तो हमें पता कि ये तार नहीं लगनी थी सर। मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं, इनको हर चीज आनी चाहिए। यार अब मुझे बताओ, अब मोबाइल पे हम जो है लोगों की चवलें देखें, कोई अपना मीम मटेरियल देखें, कि हम ये देखें कि हमने बल्ब बदलना है, अब ये हमारे घर जो पाकिस्तानी बल्ब है वो इस तरह चेंज होंगे। अब हम वीडियोस देख लेते हैं अमेरिकन वायरिंग के हिसाब से, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं पाकिस्तानी हिसाब से। हाँ जी। तो जब धमाका होता है तो उसके बाद गालियां हमें पंजाबी में पड़ती हैं और आगे जाके साहब हमारा होना है अरबी में। क्या हम क्या करें सर? हम मिडिल क्लास का हाल ही ये है। हम जैसे बच्चे होते हैं मिडिल वाले, जिनपे बड़े बच्चे भी रोब डालते हैं, और छोटे जो होते हैं वो घर के होते हैं लाडले, उनको हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम बचते हैं, हमें सारी गालियां पढ़नी होती है और घर के काम भी करने होते हैं, और वेले भी हम ही हैं। दोस्तों ये बात लाइटली लेने वाली नहीं है। जी हाँ। ये जिस जो 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 मिडिल है ना सर, ये हर घर की है, ये हर घर की समस्या है। दरमियाना बच्चा है उसको पता है कि हम किस दुख की बात कर रहे हैं। जी हाँ। हम यकीन करो, अब मुझे पता है, मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ, 19 लीटर की पानी वाली बोतल कंधे पे डाल के मैं मजदूर बंदा लेके आता हूँ। वो कैन वाला भी जो है ना ऊपर ही रह सकता था भाई, इधर तक ग्राइंड तक रखेंगे, जहां तक हमें खाली बोतल मिली हमने वहीं पर ही काम करना है। उसके बाद हम इस कंधे पे इस बेचारे कंधे पे लाद के ऊपर तक लेके आते हैं। इस कंधे पे पहले गुनाहों को इतना बोझ है, ऊपर से हम पानी की बोतल भी रख के लाते हैं। हम इधर वाला जो है फरिश्ता वो तो वैसे ही दबा देते हैं बोतल के नीचे, वो लेता उस चीज का हिसाब लिखा कि हमने नपेया सी। हां जी। हम भाई कहां जाए, किसके पास जाए, कौन सी अदालत जाए, कहां जाए सर? हम इस्तेजाज करते हैं भाई, गर्मी में पित्त निकला नहीं है, सर्दियों पे रख लेते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा डिले कर लेते हैं। बाहर जितना पसीना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ। सर पता नहीं लग रहा ना बाहर है कि गर्मी है या सर्दी है, यार अंदर गर्मी है बाहर निकले तो सर्दी है, बारिश हो रही है। लेकिन दोस्तों ये बात लाइटली लेने वाली नहीं है। जी हाँ। हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, एक तंजीम बनानी पड़ेगी, कमेटी बिठानी पड़ेगी। जो जो भी इस जुल्म का शिकार है, जो जो भी मजदूर है, मुफ्त मजदूर, वो हमारे कमेंट में आकर बताए हमें, हम उसकी आवाज बनेंगे। हम उसकी आवाज इस तरह बन सकते हैं कि हम उसकी उसके नाम बुलंद करेंगे, उसके साथ जो है ना शहदाओं का जो मिली नगमा होता है वो चलाएंगे। इससे ज्यादा हमसे भी एक्सपेक्ट करना है, हमसे भी एक्सपेक्ट करना है। असि तुहाडे मां प्यो आ, तुसी अपने मां प्यो तो एक्सपेक्ट करो। असि तुहानू जम्मे आ, असि तुहानू जम्मे आ, साडे ते अगे बोझ बहुत है भरावा, सॉरी। हम सिर्फ यही कर सकते हैं जो करेंगे, हम आपको जो है ना वो हाईलाइट कर देंगे बस, जिस तरह खबर है कि असि भी तुसी ही आ, तुहाडे नाल भी ओही हो रही जिहड़ी साडे नाल हो रही है। ठीक है हमजा, मेरे ख्याल से वीडियो को एंड करना चाहिए। जी हाँ। अब लोगों को मेरे ख्याल से आवाज पहुंच गई होगी,
जो बड़े घर के बड़े होंगे या छोटे होंगे उनके लिए तो ये बकवास चल रही होगी। कहना यार फर्क जो मिडिल है वो देखना वो रो रहा होगा, कंफर्म बात है वो रो रहा होगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं भी आई तो प्लीज प्लीज क्यों लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब सब कुछ ठोके जरूर ठोके, इसको भी ठोके, मैं पता भी दे दूंगा अगर पूछेंगे तो। जी हाँ ठीक हो गया ना, तो इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए निकल। मेरी जिंद मेरी जान जरनल आसिम मुनी, मेरी जिंद मेरी जान जरनल आसिम मुनी।